सब्सक्राइब कीजिए कैपिटल न्यूज़ पलामू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। माँ कालरात्रि की पूजा के साथ सभी पूजा पंडालों में माँ के पट खोल दिए गए हैं। भक्त श्रद्धा से उमड़ रहे हैं और माँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। शारदीय नवरात्र के सप्तम दिवस के शुभारंभ के साथ ही जगत जननी की मूर्ति की स्थापना पूजा पंडालों में कर दी गई। इनके साथ ही दुर्गा पूजा महोत्सव अपने चरम पर पहुंच गया। समूचे पलामू जिला में दुर्गा पूजा महोत्सव की धूम मची हुई है। चारों ओर पूजा पंडाल सज धज कर तैयार हो गए हैं। सुबह सवेरे जहां मंदिरों पूजा पंडालों में शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच धूप दीप अगरबत्ती की सुगंध से पूरा वातावरण आध्यात्मिक हो गया है, वहीं दिन भर माँ की आराधना से सारा बोर गीत गुंजायमान है। आज से भक्तों का हुजूम माँ का दरबार देखने पूजा पंडालों में उमड़ेगा। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर मेला के रूप में तब्दील हो जाएगा, जहाँ दुर्गा पूजा महोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में उमंग उत्साह और उल्लास का माहौल है। वहीं माँ शेरावाली की उपासना में भक्त जुटे हुए हैं। जहां पूरा पलामू जगत जननी दुर्गा की उपासना में जुटा है, वहीं पांकी विधानसभा क्षेत्र में भी इस साल दुर्गा पूजा महोत्सव को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। पूजा पंडाल जहां सज धज कर तैयार हैं, वहीं श्रद्धालुओं की भी भीड़ उमड़ पड़ी है। आरती पूजा अर्चना करके माता के भक्त नजर आ रहे हैं, जिनमें एक और भक्त का नाम जुड़ गया है भाजपा नेता सह समाज सेवी डॉक्टर अमित प्रकाश के रूप में। पाकी विधानसभा क्षेत्र के 2 दर्जन से अधिक गांवों का दौरा कर जहां पंडालों में मां का आशीर्वाद मांगा, क्षेत्र की खुशहाली की कामना की, वहीं इस अवसर पर स्वच्छता को बढ़ावा दिए जाने पर भी बल दिया गया। डॉक्टर अमित की माने तो पूजा में व्यवस्था करने में कोई कोताही नहीं बरती जाती, मगर स्वच्छता के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से समाज सेवी डॉक्टर अमित प्रकाश ने स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की अपील की है। मैं आज हम लोगों के इतना आह्वान कर रहे हैं, अगर 5 आदमी 10 आदमी में नशाखोरी से दूर होते हैं तो समझे कि समाज में कोई सार्थक कदम उठाया।